सो हे गाइस, मैं आपकी होस्ट नुपुर। वेलकम टू माय चैनल एंड ब्लॉग नुपुर। तो फ्रेंड्स, आज हमारे शहर शाहजहांपुर में नगर निगम द्वारा एक अनोखी पहल यहां पे लगाई गई है। जैसे कि भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, नगर निगम शाहजहांपुर कूड़ा धन महोत्सव का आयोजन हो रहा है हमारे शहीद उद्यान में। जैसे कि भी आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं, दिखाते हैं ये कूड़ा धन है क्या और इसके बारे में आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें ये कूड़ा धन महोत्सव जो है ये नगर निगम शाहजहांपुर एवं ग्रीन फ्यूचर कलेक्टिव के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है। यहाँ इस शहीद उद्यान के बाहर यहाँ पे कैनोपी लगाई गई है, जिसमें स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 द्वारा यहाँ पे फीडबैक के लिए यहाँ पे कैंप लगाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस पैम्पलेट में देखिए लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं, उसमें सारे प्रश्न लिखे हैं, उत्तर भी लिखे हैं कि आप सहमत हैं या नहीं, तो उसमें पूरा फीडबैक जो है आप अपना दे सकते हैं माई गवर्नमेंट ऐप द्वारा या फिर इस बार कोड को स्कैन करके। फ्रेंड्स, चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। और फ्रेंड्स, आप देखिए अब अंदर आते हैं, सबसे पहले हमको यहाँ पे एक से स्टैचू देखा, जिसमें ये जो है ये पेपर से बनी फ्रॉक इसने पहन रखी है, जिसकी देख रहे हो कितनी खूबसूरत लग रहा है ये आर्ट पीस। कह सकते हैं इसको एज अ वेस्ट मटेरियल इन पेपर को यूज़ किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पार्क में अंदर आते ही सबसे पहले यहाँ पर हमको देखो एक गेट देखने को मिला, जिसमें वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके इसको डेकोरेट किया गया, जिसके भी आप फ्रेंड्स जितने पॉलीथीन है और जो प्लास्टिक होती है वेस्ट प्लास्टिक उसको यूज़ किया गया है। ये तो बहुत ही अच्छा है, इतना हेवी है थोड़ा सा, तो इस संदर्भ में कह रहा था थोड़ा भारी है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि हमने आपको टायर से बने हुए कुछ प्रोडक्ट्स दिखाए, एक गोरिल्ला भी बना था, तो वो जो है वो अरे मैम खड़ी हुई हैं, इन्हीं लोगों के द्वारा वो पहल की गई है। तो मैम, सबसे पहले आपका वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू जी। मैम, आपका नाम बताइए। वैशाली बियानी। मैम, आपने ये इनोवेटिव आइडिया कैसे इसको लाया, कैसे आपके दिमाग में आया, कैसे करना चाहिए हमको? कुछ भी चीज़ जो पल्यूट कर रही है उससे अगर कोई यूटिलिटी प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो दैट वॉज द आइडिया, तो इसलिए इस प्रोडक्ट को क्रिएट किया गया। आप और इसमें क्या करना चाहेंगे, इसको कैसे यूज़ करना चाहेंगे? मैक्सिमम हम लोग अभी ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे शाहजहांपुर में डिस्प्ले किया है शहीद पार्क में, अब लोग हम यही प्रोडक्ट्स चेयर टेबल्स प्लांटर्स यही मैम है पूनम मल्होत्रा जी, इनके घर पे जो चौक में है वहीं पे हम डिस्प्ले कर रहे हैं, जिसको भी शाहजहांपुर में अगर प्रोडक्ट्स खरीदने हो तो वो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू मैम, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इस प्रोडक्ट के बारे में बताया। थैंक यू और मुझे शाहजहांपुर बुलाने के लिए। जैसे कि भी आपने देखा, हमने आपको बेसिक शिक्षा का एक स्टॉल दिखाया है, चलिए इसके बारे में मैम से कुछ पूछते हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका नाम बताइए। मैं अर्चना जौहरी, उच्च प्राथमिक विद्यालय कटिया बुजुर्ग सिंधौली से हूँ। हम लोगों ने सारे वेस्ट मटेरियल से सारे प्रोडक्ट्स बनाए, जो आपने स्टॉल देखा है उसमें स्टॉल में हर चीज़ वेस्ट मटेरियल से बनी है, और उसमें बच्चों का भी पूरा पार्टिसिपेशन लिया गया है, तो बच्चों ने सारा पार्टिसिपेट किया, डायरेक्शन हमारा रहा है, बनाया बच्चों ने है सारी चीज़ें, और सभी कुछ वेस्ट से जो स्कूल में अवेलेबल सामान था उसी से सब कुछ बनाया गया। हमें तो बहुत अच्छी पहल है, तो इसका इनोवेटिव आइडिया आया कैसे है आपके? हम लोग एक्चुअली करते रहते हैं, शिक्षा के लिए चीज़ें करते हैं, लेकिन हमारे पास फंड्स नहीं होते हैं, तो जो वेस्ट मटेरियल निकलता रहता है वहाँ पर वो सारा यूज़ करके हम TLM बनाते रहते हैं। हमारी TLM प्रदर्शनियाँ लगती रहती हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसमें हम अपना क्रिएशन करते हैं, अपनी तरफ से क्रिएटिव बनाते हैं, ऐसे मॉडल्स बनाते हैं जिनसे बच्चों को पढ़ाने में हेल्प होती है, तो वो मॉडल्स हमने यहाँ पर बनाए हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी मैम ने बताया कितने अच्छी पहल है ये कि वेस्ट मटेरियल से हम अपना जो यूज़ कर रहे हैं, अपने वेस्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारी जितनी टीचर्स देख रही हैं तो उनको भी ऐसे इनोवेटिव अपने स्टूडेंट्स को देना चाहिए। तो मैम, आप क्या बताइए? मैं मधुरिमा तिवारी, प्राथमिक विद्यालय अजीजगंज विकासखंड ददरौल से। एक्चुअली हमारे यहाँ जो बच्चे जिस परिवेश के होते हैं वहाँ पर उन लोगों के पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं होता है, और हम लोग के विद्यालयों में भी इतना पैसा नहीं होता है कि उससे हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लाएं,
और बच्चों को दे पाएँ। तो हम ऐसी चीज़ें देखते रहते हैं कि किस चीज़ का कहाँ पर कैसे यूज हो सकता है। जैसे वहाँ की सॉयल है और सेठा एक आती है पतला सा लकड़ी टाइप का होता है, सभी लोग जानते होंगे, उससे भी चीज़ें हम बनाते रहते हैं। तो जो भी मिलता है ब्रूम से और प्लास्टिक की चीज़ें टुकड़े वगैरह हम वेस्ट कलेक्ट करते रहते हैं, एक पोर्शन में कलेक्ट करते रहते हैं और जब मौका मिलता है बस उसको शेप में ढाल देते हैं कि किसको किससे हमें मैथ पढ़ाना है, किससे हिंदी पढ़ाना है, किसको साइंस में यूज़ करना है, इस तरीके से हम लोग करते रहते हैं। TLM हम लोग पूरे 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 साल बनाते रहते हैं हर समय। फ्रेंड्स, देखा आपने, मैम ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि हमको वेस्ट मटेरियल किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो थैंक यू मैम, आपने इतना अच्छा कीमती समय निकाला हमारे चैनल के लिए। थैंक यू वेरी मच। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And अभी आपको जिसके हम बता दें हम शहीद पार्क के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे अभी आपको हमने बहुत सी अलग अलग चीज़ें दिखाई थी। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे पेंटिंग प्रतियोगिता भी हो रही है। यहाँ पे भैया जो है अपना ये एक पेंट बना रहे हैं और कितना अच्छा मैसेज भी है इस पेंट के थ्रू। फ्रेंड्स पूछते हैं भैया से कि इस पेंटिंग का आखिर मोटिव क्या है। तो भैया सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम चेतन वर्मा है और मैंने ये पेंटिंग ये दर्शाया है कि जिस तरीके से हम लोग का फ्यूचर आगे, हम लोग विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है और जैसे भी हम लोग आगे ग्रोथ कर रहे हैं उसके साथ साथ ही पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है हम लोग के लिए। और जो ये एक बहुत इतनी बड़ी समस्या हो गई कि जो हम लोग अपनी फ्यूचर जनरेशन को हैंड ओवर कर रहे हैं, तो मैं उसको ये दिखा रहा हूँ कि हम लोग अच्छा तो उन्हें दे ही रहे हैं पर साथ ही साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कचरे के नाम पर और पॉल्यूशन के नाम के उनको वो भी हैंड ओवर हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको अगर अभी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी नहीं। तो जैसे कि फ्रेंड्स देख सकते हैं पोर्ट्रेट में कितना अच्छा मैसेज दिया गया कि हमारे अर्थ से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, पेंटिंग माध्यम से वो चीज़ बताई गई है। थैंक्स भैया, आपने इतना अच्छा मैसेज दिया है अपने पेंटिंग के, तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है। थैंक यू। जैसे कि हम आपको बता दें डिफॉरेस्टेशन जैसे कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, पेड़ों का कटना, तो देख सकते हैं यहाँ फ्रेंड्स उसी का एक छोटा सा मैसेज दिया गया है कि यहाँ पे सिगरेट से ये चीज़ बनाई गई है, जली हुई सिगरेट्स होती हैं, तो उसमें देखिए पेड़ का तना दिया गया रूप और उसको कटा हुआ दिखाया गया। चलिए इसके बारे में जिसने प्रदर्शनी लगाई उनसे पूछते हैं। तो मैम सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू मैम, आपने ये बनाया इसके बारे में ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को। सर एक्चुअली मैंने बनाया नहीं है, ये कॉन्सेप्ट हमारा था बिकॉज़ हमारी संस्था जो है वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करती है और सिगरेट बट्स एक ऐसा वेस्ट है जो रिसाइकल नहीं हो सकता और डिकम्पोज नहीं होता बहुत समय तक, और जब वो डिकम्पोज एक्चुअली होता है तो बहुत टॉक्सिक गैसेज रिलीज करता है जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करती है। तो हम वो मैसेज कन्वे करना चाहते थे, तो ये हमने एक ट्री स्टम्प बनाने की कोशिश करी है, कटा हुआ पेड़, और उसके साथ साथ हमने सिगरेट बट्स को यूज किया है। Hold me close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. यहाँ पे टायर के थ्रू यहाँ पे एक साइकिल बनाई गई है और कितनी खूबसूरत लग रही है साइकिल। प्लान पर भी योजना चल रही है और हमें उम्मीद है कि अगले साल तक यह भी चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी लगाया गया है जिसकी आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हम भी सेल्फी लेंगे जो कि आपको मेरे इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हैं कचरा निस्तारण अभियान के लिए एक स्टॉल भी लगाया गया जिसके भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि फ्रेंड्स हम जानते ही हैं जो पॉलीथीन है, जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट के कितने हार्मफुल होते हैं, तो उसी एक रिकवर करने का यहाँ पे देखिए कितनी अजीब पहल की गई है। यहाँ पे पेपर बैग्स बनाए गए हैं जिसके भी आप देख सकते हैं, जिसको हम अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। वही काफ़ी एक अच्छी पहल है। तो फ्रेंड्स हमको यहाँ पे एक अलग से स्टॉल दिखी, चलिए स्टॉल के बारे में जानते हैं और क्या इसका महत्व है।
जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे चूल्हे टाइप के रखे गए हैं, ये स्टोव है ये। सर आपका सबसे पहले स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू। नाम बताइए। ध्रुव सक्सेना, शहीदों की नगरी शाहजहानपुर से। सर आपने ये स्टॉल लगाया, इसके बारे में बताइए। ये एक्चुअल में हमारे पापा की कुछ यादगार चीज़ें हैं, जो हमारे पापा जब मैं बहुत छोटा सा था तब उन्होंने मुझे बना के दी थी। जैसे जैसे रेलगाड़ी आप बैलगाड़ी देख रहे हैं, तो ये मैं बहुत छोटा था, मैं मेले में गया था उस समय, पापा के पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बना के दूंगा। तो ये मेरा पहला खिलौना भी आप इसको कह सकते हैं। और इसके बाद मैं पढ़ने लगा तो पापा ने हमारे लिए बहुत छोटे छोटे स्टोव बनाए हैं। एक इससे भी छोटा स्टोव मेरे घर पे है, लगभग 2 या 2.5 इंच का, वो मुझे मिल नहीं रहा है, कहीं रखा हुआ है, तो वो भी मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों को दिखाऊंगा। और एक स्टोव हमारे पास ये है कि जब कभी आप जाएं इसमें आप आइस पर, बर्फ़ पे, तो ये साथ में लेके जा सकते हैं। इसको इस तरीके से गाड़ देंगे नीचे सॉरी, और इसमें आप जला के कुछ भी बना सकते हैं। और आपने देखा होगा, बेस्ट चीज़ की बात करें तो ये एक पहले वो होते थे, चलते थे पुराने टाइप के, क्या बोलते हैं, डोंगे, इसको डोंगा था, उसको बिल्ड करके इसको कन्वर्ट करके स्टोव बनाया, कन्वर्ट करके इसको बनाया गया है। कोई भी चीज़ आप देखेंगे, ये आपने देखा होगा इस तरीके का, ये बेला बोलते थे इसको, दाल वगैरह खाने में आता था, तो इसको भी बनाया है। और ये सब वर्किंग हालत में थे, बट अभी 2-4 साल से बंद हैं, तो इसलिए चल नहीं पाए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितने इनोवेटिव, कितने प्यारे छोटे छोटे स्टोव से, इसको हम कहीं भी कैरी भी कर सकते हैं, जैसे कि देख ही रहे हैं आप। सर थैंक यू आपका बहुत बहुत। थैंक यू आपका भी, जो आपने अपने चैनल पर हमको दिखाया। धन्यवाद। ओके थैंक यू फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और एक यूनिटिव चीज़ लगी है हमको देखने को मिली, जी सर्वे लिमिटेड द्वारा एरोबिक कंपोज जो टम्बलर जो है ये लगाया गया है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो है अपना घर का जो कचरा होता है, चाहे वो सब्जियों की छिलकी हो, चाहे सूखा कचरा जो भी कह लो, वो उसमें जो है डालने के बाद 45 दिन बाद ये वो खाद बन जाता है, जिसकी देख सकते हैं फ्रेंड्स। Till my shadow turns to sun rays and I... नगर निगम द्वारा एक यहाँ पे प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, जिसको भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारी ऑडियंस बैठी हुई है और आगे आसपास पूरी स्टॉल्स लगी हुई है, जिसके देख सकते हैं इस टाइम फ्रेंड्स शाम के वक्त कितना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है हमको यहाँ पे। विभाग द्वारा यहाँ पे एक स्टॉल लगाया हुआ है, बेहद खूबसूरत स्टॉल है ये, और इसमें जो बच्चों ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है वो भी आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स जो स्टॉल लगाया है हम मैम से मिलवाते हैं जी। यस, मैं दपिंदर कौर, जिला गाइड कैप्टन, और मेरे साथ में निखत परवीन जी। और ये हम लोगों ने जो लगाया है स्टॉल, बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से लगाया है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के निर्देशन में। और ये कूड़ादान महोत्सव जो नगर आयुक्त जी ने दिया है नगर शाहजहानपुर में, एक शानदार आयोजन, इसका आगाज़ कल हुआ था और सबसे ज़्यादा भीड़ हमारे स्टॉल में हो रही है। इतना कुछ एजुकेशन पे जो हम लोग दे रहे हैं ये सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और 4-5 स्कूल डिस्ट्रिक्ट के हमारे साथ लगे हुए हैं। आप अनुपम मैम हैं, इनका श्यामदगंज गोटिया है, अटसलिया है, हथौड़ा है, अजीज़गंज है, और ये स्कूल हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। इन स्कूल के बच्चे भी आते हैं, और जो जितना आप देख रहे हैं इन स्कूलों की मेहनत है, इनके टीचर्स की मेहनत है। तो हम लोग बेसिक स्कूल के जो टीचर्स मेहनत करते हैं इन बच्चों के लिए, वो यहाँ दिखाया गया। तो हमारे पास बच्चे भी इससे बढ़ रहे हैं, हमेशा ऑलवेज जहाँ पे हम लोग स्टॉल लगाते हैं प्रचार प्रसार होता है। और जब हमारा अप्रैल में हमारा न्यू एडमिशन शुरू होना है, तो हमारा मकसद ही यही है कि अधिक से अधिक बच्चे सरकारी स्कूलों में आएँ, और हम लोग जो उनसे उनको दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दें। इस चीज़ से बच्चों में क्रिएटिविटी भी जागती है बहुत ज़्यादा। वो पर डे बच्चे हमारे पास वो हैं जिनको वाकई नीड है, जो सरकारी स्कूलों में बच्चे आ रहे हैं, ये हमारे पास सब्जी बेचने वाले, फेरी लगाने वाले, कूड़ा बीनने वाले, ये वो बच्चे हैं। और इनको हम टीचर्स लोग मोटिवेट करते हैं कि आपको आना है, और इनको हम देते हैं, उनको सिखाते हैं,
उनका अर्निंग कल को ये व्यावसायिक शिक्षा के रूप में उनके लिए उपयोगी है। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि ये समाज सेवा का सबसे अच्छा मंच है। ये देखिए सर, ये हमारे श्यामचंद कोटिया के बच्चे हैं, मैडम के स्कूल के बच्चे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इन बच्चों ने कितना अच्छा सा ये बनाया हुआ है, क्योंकि वेस्ट मटेरियल से ही बना हुआ है। जी मैम। बेटा आपका नाम क्या है? मेघा। आपका नाम क्या है? अनुपम। जी आपने जो बनाया है इसके बारे में बताइए। पानी वाले ग्लास से बनाया था। अच्छा, और ये आपने क्या बनाया? मैम ये इसमें यहाँ पर फूल रखने थे और यहाँ पर पेन रखना है। अच्छा, तो एक देख सकते हैं छोटा सा पेन स्टैंड है, इसमें फ्लावर लगा सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो वेस्ट मटेरियल को यूज करके बनाया है और काफी अच्छा बनाया है। थैंक यू। तो यहाँ पे एक ये झूला टाइप का डाला गया है जो कि हमारी स्काउट गाइड मैम ने, उन्होंने ये चीज बनाई है। हाँ, मैं निखत परवीन, जिला स्काउट मास्टर, और LT जो स्काउटिंग की एक ट्रेनिंग होती है। ये झूला हमने वेस्ट मटेरियल से बनाया है। ये जो है हमारे इसमें रिम लगे हुए हैं, साइकिल के रिम जो है, और ये जो बांस हमारे ख़राब हो गए उसके हमने सीट तैयार करी है। जो मजबूत बाल थे उनको ऊपर लिया और रस्सी को लेकर के पूरे बंधन, स्काउटिंग में गांठे बंधन होती है, बंधन लगा करके हमने इसको तैयार किया है। और इसमें जो है जो ये झूला चल रहा है, इसमें दिन भर बच्चे पूरा इंजॉय कर रहे हैं और एक ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है हमारे। हम इसको मैजा घर में भी यूज कर सकते हैं। लॉन में ये यूज होता है और लोग डालते हैं और बहुत आराम से, गांठे बंधन लग गई तो समझिए मजबूत है, कहीं से कोई चीज़ इसकी लूज नहीं होगी। बहुत अच्छे से ये चलता है। स्काउटिंग की गांठे जो हैं और बंधन, वो इतनी आसानी से खुलती नहीं, खुलती ही नहीं है। बिल्कुल, जब आप खोलेंगे तब खुलेंगे, वरना ये नहीं खोलेंगे। लग गया। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम बता दें, हमारे शहर शहीदों की नगरी ही है और एक और चीज़ हमारे शहर से जुड़ी हुई है, अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले स्काउट गाइड के जनक पंडित श्री राम वाजपेयी जी, वो भी हमारे शहर शाहजहांपुर से ही हैं। और ये फ्रेंड्स हमारा सौभाग्य है हमारे शहर के लिए। श्री राम वाजपेयी जी की जो मूर्ति लगी है वो हमारे रोटी गोदाम स्कूल है, एक यहाँ स्थान है, वहाँ लगी है। और इनके नाम से शाहजहांपुर में आप बाहर निकलेंगे तो शहीद उद्यान के पास इनके नाम से एक मार्ग भी है, पंडित श्री राम वाजपेयी मार्ग। तो ये इनका पूरी कर्मभूमि, जन्मभूमि जनपद शाहजहांपुर है। और इन्होंने इंडिया में जब अंग्रेज़ों का शासन था और शाहजहांपुर में बहुत चोरियाँ हो रही थी, तो इन्होंने एक गठन दल का गठन किया था, उसमें उन्होंने उन बच्चों को तैयार करा जिससे बच्चे चोरियाँ होना बंद हो गई। आप पंडित श्री राम वाजपेयी जी, जो हमारे ये शहीदों की धरा कही जाती है, जो हमारे शहीद हैं अशफाकुल्ला खां जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी और ठाकुर रोशन सिंह जी, जनपद शाहजहांपुर के, ये उनके गुरु होने का सौभाग्य भी रखते हैं। उन्होंने ही देशभक्ति का जज्बा इनको दिया, इन्होंने दिया जो उन्होंने इतना अपना नाम कमाया। तो हम धन्य, बहुत आभारी हैं कि जनपद शाहजहांपुर में हम लोगों ने जन्म लिया, जो शहीदों की धरा है, और पूरे भारत में स्काउटिंग गाइडिंग की जनक पंडित श्री राम वाजपेयी जी की ये धरती है। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ शहीद पार्क के ऊपर थिएटर में, यहाँ पे देखिए नगर निगम द्वारा यहाँ पे संगोष्ठी भी हो रही है, जिसके भी आप फ्रेंड्स देख सकते हैं। ओपन थिएटर में यहाँ पे स्वच्छता को लेके यहाँ पे नाटक मंचन भी हो रहा है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं, जैसे कि भी आप फ्रेंड्स देख सकते हैं। जैसे कि हमारा शहर शाहजहांपुर नगर निगम है, और जिसके आप देख सकते हैं हमारे नगर निगम में काफ़ी कुछ बदलाव आ रहा है, कितने चेंजेस आ रहे हैं। तो हमारे और ये सारा जो है स्ट्रेंथ जो है हमारे नगर निगम और सर को जाता है, हमारे नगर के नगर आयुक्त सर। तो सर आपको सबसे पहले स्वागत हमारे चैनल पर। थैंक यू नुपुर। हम लोग कूड़ा धन महोत्सव का आयोजन जो नगर निगम की तरफ से कर रहे हैं, उसका जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य है कि कूड़े के प्रति लोगों में अवेयरनेस पैदा करना, स्वच्छता के प्रति अवेयरनेस पैदा करना, और मेरा कूड़ा मेरी जिम्मेदारी है। जो भी वेस्ट जनरेटर हैं, जो भी कूड़ा उत्पादक हैं, जो भी कूड़ा जो उत्पादित कर रहे हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने कूड़े का प्रबंधन भी करें। तो उसको लेकर आप यहाँ पर देखें, हमारे यहाँ जो हम लोगों ने एक थीम बेस्ड कूड़ा धन महोत्सव आयोजित किया है कि हर वेस्ट का हम प्रबंधन कैसे कर सकते हैं और उस प्रबंधन के साथ हम वेस्ट में किस प्रकार से वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो आप एक तरफ देखेंगे तो गीला कूड़े के प्रोसेसिंग का पूरा
स्टॉल लगा हुआ है जिसमें कि वेट वेस्ट प्रोसेसिंग करके घर के लेवल पे कैसे कंपोस्ट बना सकते हैं, कोई प्रतिष्ठान है कोई संस्थान है उसके लेवल पे कैसे कर सकते हैं, और जो सोसाइटी जो है या कम्युनिटी है कुछ घरों का क्लस्टर वहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ आप देखें जो ओल्ड वेस्ट या पुराना वेस्ट जो सूखा कूड़ा है उसके निस्तारण हम जो है कि पर्यावरण के अनुकूल किस रूप से कर सकते हैं, तो देखें यहाँ पर जो ओल्ड रबर्स हैं, आप देखें प्रचलन में लोग रबर का आयल निकालते हैं जो कि काफ़ी टॉक्सिक होता है, तो रबर के टायर्स को रीयूज करके, रिसाइकल और रीयूज करके बहुत ही खूबसूरत फर्नीचर्स आप यहाँ पर देखेंगे जो बनाए गए हैं, जो लाए गए हैं, यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। इसके साथ सूखा कूड़ा के अन्य जो विभिन्न प्रकार के कूड़ा है उसका क्या उपयोग और कैसे उपयोग किया जा सकता है उसकी भी यहाँ प्रदर्शनी है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने नगर निगम के द्वारा ग्रीन फ्यूचर कलेक्टिव संस्था को अधिकृत किया गया है कि सूखा कूड़ा में जो डिफरेंट काइंड के जो गार्बेज हैं, प्लास्टिक का बोतल होगा, कांच का बोतल है या पेपर है, मेटल है, सभी की अलग अलग वैल्यू निर्धारित की गई है और लोग उसको अपने घर से सूखे कूड़े को सेग्रीगेट करके डिफरेंट पार्ट में उसको बेच भी सकते हैं और नगर निगम की जो अधिकृत संस्था है वो ले सकती है। तो कूड़ा जो है कूड़े से धन भी कमा सकते हैं और इसके साथ साथ कूड़े का प्रबंधन करके हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, पर्यावरण को क्षति होने से रोक सकते हैं। तो इस प्रकार इस पूरा जो वेस्ट है, जो हमारा म्युनिसिपल वेस्ट है, उस पर एक सर्कुलर इकोनॉमी के माध्यम से किस तरह से हम उसको इकोनॉमिक सिस्टम में ला सकते हैं और किस तरह से लोग कूड़े को भी से भी उपयोगी चीज़ें बना सकते हैं और कूड़े का भी किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। कूड़ा जो समस्या है हमारे महानगर की नहीं बल्कि सभी शहरों की है और कूड़े का प्रबंधन जब तक नहीं करेंगे तब तक ये समस्या का निदान नहीं है। तो इसको जागरूकता के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ये कूड़ा धन महोत्सव आयोजित किया है और इसमें विशेष रूप से हम आपके जो लोग भी आपके व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, उनसे हम निवेदन करेंगे कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 प्रारंभ हो गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण में विगत वर्षों में शाहजहांपुर नागरिक प्रतिक्रिया सिटीजन फीडबैक में राष्ट्रीय स्तर पर इसको प्रथम पुरस्कार मिला है। इस बार भी हम अपील करेंगे कि जो भी हमारे महानगरवासी यहाँ पर जो आपको देख रहे हैं या जो सुन रहे हैं, शहर के हित में शहर को मान सम्मान दिलाने के लिए, शहर को आगे बढ़ाने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के सिटीजन फीडबैक में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आपकी प्रतिक्रिया से शहर आगे बढ़ेगा, शहर का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन होगा। तो मैं सभी से यह अनुरोध करूंगा और जो लोग भी आम शहरवासी हैं, 3 दिनों के लिए जो शहीद पार्क है, ये पार्क खुला है, निःशुल्क खोला गया है, तो लोग अधिक से अधिक लोग आएँ और इसका यहाँ पर लाभ उठाएँ। मैं आपके माध्यम से सभी को आमंत्रित करना चाहूँगा। थैंक यू। तो मेरे नगरवासियों से अनुरोध है कि जैसे सर ने बताया कि हमारी अनोखी पहल चालू की गई है तो आप लोग भी सहयोग करें। जैसे कि अभी आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे जो हम वेस्ट मटेरियल को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, यहाँ पर एक और चीज़ यूनिक देखने को मिली। तो जैसे ये गोरिल्ला बना हुआ है और ये बना है टायर से, जो टायर होते हैं जो बेकार हो जाते हैं उनसे ये बनाया गया है और देखिए कितना सुंदर ये मास्टर पीस है ये। और फ्रेंड्स ये सिर्फ गोरिल्ला ही नहीं, और भी चीज़ अंदर प्रोडक्ट बनाए गए हैं टायर से। चलिए आपको दिखाते हैं, देख सकते हो आप टायर से कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाए गए हैं। टेबल्स बनाए गए हैं, सोफ़ा बनाया गया है, ये स्टूल टाइप का है और ये सब वेस्ट मटेरियल जो टायर होते हैं उनसे बनाए गए हैं। तो देख सकते हैं अभी आपने आपको ये सोफ़ा सेट वगैरह सब दिखाया। अभी यहाँ पे देखिए ये फ्लावर पॉट अभी बनाए गए हैं, ये भी सब टायर से ही बने हुए हैं जैसे कि देख सकते हैं फ्रेंड्स आप। आप देख सकते हैं यहाँ पे टायर के बने हुए जो प्रोडक्ट हमने अभी आपको दिखाए, ये जो है ये डी डिज़ाइंस कंपनी इसका प्रोडक्शन करती है। और चलिए आपको मिलवाते हैं इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं। तो सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजीत कुमार कुशवाहा है, मैं जिला उन्नाव का निवासी हूँ। जी सर, आप ये जो प्रोडक्ट हैं टायर के बने हुए हैं तो इनके बारे में बताइए। ये हमारे सारे पुराने जो अनयूज टायर निकलते हैं गाड़ियों से, उनसे हम लोग रीयूज करके प्रोडक्ट बनाते हैं। जी सर, ये जो है इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे लोग ले सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं? हमारी मैम वेबसाइट है ये www.ddesign.com। जी यहाँ पे जा करके ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं। आपकी कंपनी जो है ये कहाँ से? मैम ये हमारी कंपनी जो है कानपुर की है, हमारी फैक्ट्री जो है रूमा में है, कानपुर यूपी साइड इसी रूमा। तो फ्रेंड्स आप चाहो तो ये प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हो, वेबसाइट हमने आपको दिखा रखी है www.ddesigns.com, आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। सर थैंक यू, आपने हमें दर्शन दिए। थैंक यू।
फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये कूड़ा धन महोत्सव का, मुझे हमने पूरा व्लॉग दिखाया। और फ्रेंड्स मेरे जितने भी नगरवासी लोग देख रहे हैं, तो मेरी अनुरोध है आप लोगों से कि आप लोग इस चीज़ में अवेयर रहें और जितना भी कूड़ा कचरा है इसको आप अपने डस्टबिन में ही डालें जो हमारे लगे रहते हैं, और सहयोग करें हमारे नगर निगम का। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, हमारी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो करें। फ्रेंड्स मेरे भाई का भी यूट्यूब चैनल है ब्लॉगर कार्तिक, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, होप आपको पूरा ब्लॉग पसंद आया होगा और कमेंट्स में जरूर से बताएगा। तो फ्रेंड्स चलिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।